हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हमारे आज की सीरीज में देख रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल, और ये हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल पार्ट 6 है, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देख रहे हैं। ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इसकी थ्योरी डिस्कस की थी कि हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते क्या और कितने टाइप के होते हैं। आज हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे। हम आज दो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ और इफ एल्स के बारे में देखेंगे और इनके प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर पर और इसके प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल एच इक्वल टू 20 सेमीकोलन। अब हम सबसे पहले इफ कंडीशन लिखते हैं कि इफ किस तरह। सबसे पहले मैं इफ कीवर्ड लिखता हूँ, देन उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारा एज है, एज ग्रेटर देन हो 80 के, तो यहाँ पर एको कराओ। वैलिड, सेव करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। तो हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए वैलिड प्रिंट हो रहा है। देन अगर इनवैलिड हो तो क्या हो, तो देखिए हम यहाँ पर जैसे मैं 14 कर देता हूँ और सेव करके जो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए कोई डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अभी तो हमें जैसे अगर कंडीशन ट्रू आती है तो हमें समझ आ जाता है कि कोड एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कोड एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम एल्स कंडीशन लगाते हैं, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था एल्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एको इनवैलिड, देन सेव करते हैं। और यहाँ मैं आके जब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इनवैलिड आ चुका है। और अगर मैं इसे 18 से ज़्यादा कर दूँ, जैसे मैं 19 कर देता हूँ इसे, और ऐसे मैं सेव करके जब रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वैलिड शो हो रहा है। तो ये था हमारा इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के इफ और इफ एल्स में डिफरेंस क्या है। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये सेकंड पर आता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये सेकंड ब्लॉक पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंट अपडेट आपको मिलती रहे। Thank you for watching.